Assalamualaikum. आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और बना रहे हैं रोल पराठा. उसके लिए हमें चाहिए चिकन है, एक कप मैंने लिया है, इसको फ्राई किया है और अच्छी तरह चॉप कर लिया है. इसके अलावा केचप है, चार चम्मच है. यहाँ पे अनारदाना और पुदीने की चटनी है, ये तकरीबन चार चम्मच है. आटा, गूंदा हुआ आटा है दो पेड़ों का. इसके अलावा मक्खन है, प्याज हमने काट लिया एक अदद. मेयोनीज है, ये भी तकरीबन चार से पाँच चम्मच चाहिए. और खुश्क आटा है जिसे हम पेड़े को बेलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पेड़ा बना लेते हैं. हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी है. इसको बेल लें. अब देखिए हमने रोटी गोल बेल ली है, इसको दरमियान से आप कट कर लें. इसके अंदर हम बटर लगाएंगे. अब इसको हमने चारों तरफ फैला दिया और इसको इस तरह एक नए बेड़े की शक्ल देंगे. ट्राइंगल बन गया, इसको दरमियान से हम निकालेंगे. यहाँ पे देखें एक पेड़ा बन गया. दोबारा से हमने इसको पेड़ा बनाया. अब इसको बेल लेते हैं. अब ये गोल पराठा तैयार है, इसे फ्राई करते हैं. अब इसे ये देखिए हम डाल देते हैं. अब हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इन पराठों से हम बनाना स्टार्ट करते हैं रोल पराठे. इसके अंदर फिलिंग करते हैं. ये देखिए मैंने बटर पेपर के ऊपर पराठा अपना रख दिया है. सबसे पहले मैकन को एक तवे में डालती हूँ. इसके बाद ये मेयोनीज है, इसको भी लगा लेंगे अच्छी तरह. केचप, इसको हम रोल करेंगे. और यहाँ पे हम प्याज रखेंगे. अब इसके अंदर अनारदाने और पुदीने वाली चटनी थोड़ी सी डालेंगे. अगर आपको पसंद है तो डालें. इसको रोल कर लेंगे. ये बहुत क्रिस्पी बना हुआ है. अब हम इसके अंदर रोल करेंगे. रोल पराठा बिल्कुल तैयार है. इसी तरह बाकी रोल पराठे भी बना रहे हैं. ये रोल पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं. आप इसको एंजॉय करें. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़.